ब्लॉग क्रिएट करके एडसेंस के जरिए अर्निंग करने के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, बट आज के वीडियो में हम जानेंगे एक और तरीका जिससे आप सेम ब्लॉग के कंटेंट को यूज करके एडसेंस के अलावा एक और तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी पैरेलली। और साथ ही में जिन लोगों का फ्री ब्लॉग है ब्लॉगर पे, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और ऐसा मोनेटाइजेशन का तरीका जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी एडसेंस के साथ पैरेलली एक और तरीके से। जी हाँ, ये तरीका है फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल। जी हाँ, फेसबुक ने एक और चीज स्टार्ट की थी, उसको थोड़ा टाइम हो गया, जिसका नाम है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल। और फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए आप अपने सेम ब्लॉग से बिना किसी एडिशनल मेहनत के उसी कंटेंट को फेसबुक के ऊपर शेयर करके अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें शेयरिंग आपको फिजिकली नहीं करनी है, फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग से आपके न्यू पब्लिश ब्लॉग्स को अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करेगा। और कोई भी जना अगर ब्लॉग देखना चाहता होगा तो वो आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, बल्कि फेसबुक उसको उसी प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पेज के जरिए उस आर्टिकल को प्रोवाइड कराएगा, जिससे वो पूरी तरह से उस आर्टिकल को वहां पे पढ़ सकता है। तो आपका ब्लॉग अगर फ्री ब्लॉगर में भी बना हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फेसबुक के पेज के थ्रू उसको ये नहीं पता चलेगा और वहां पे उसको उस पेज पे वो कंटेंट मिलेगा और उससे आपको अर्निंग होगी। जी हाँ, फेसबुक उस ब्लॉग में एड लगाएगा और उन एड से आपको अर्निंग होगी। अर्निंग करने के लिए फेसबुक की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज हैं, उसके लिए कुछ मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जिनको हमें कंप्लीट करना होता है। बट ये ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन का एक तरीका है, और जो मेहनत आप एक ब्लॉग को लिख करके कर रहे हैं उससे अगर हमें एक एडिशनल सोर्स मिल जाता है अर्निंग का, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल का कंप्लीट सेटअप जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में बना हुआ है, या फिर आपका ब्लॉग ब्लॉगर में बना हुआ है, या फिर और किसी प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, सभी केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंस्टेंट आर्टिकल का सेटअप कर सकते हैं और फेसबुक के मोनेटाइजेशन का यूज करते हुए उससे एडिशनल अर्निंग कर सकते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि और भी इसी तरह के आने वाले काम के वीडियोस आप कभी मिस नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने फेसबुक के ऊपर कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है सोशल मीडिया की सीरीज के अंदर, जिसमें फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना, ऑप्टिमाइज करना और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स मैंने उसमें बताए हैं जिसके जरिए आप अपने फेसबुक पेज को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं फेसबुक का ये इंस्टेंट आर्टिकल का कंप्लीट सेटअप। तो फ्रेंड्स, पहले ये समझ लेते हैं कि इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक पे सेटअप करने के लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है। पहली चीज की आपको जो जरूरत है वो है एक ब्लॉग। ये ब्लॉग आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग भी हो सकता है, ब्लॉगर का फ्री प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, या और किसी ब्लॉग प्लेटफॉर्म पे आपका ब्लॉग भी हो सकता है। तो आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। दूसरी चीज आपको जरूरत है वो है आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना फेसबुक पेज नहीं बनाया है तो फेसबुक पेज किस तरह से बनाना है उससे रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हुआ है। और साथ ही में आप उस पेज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपको मदद मिलती है उस पेज को जल्दी ग्रो करने में। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। तो आप पहले अपना फेसबुक पेज बना लें अगर आपका पेज अभी तक नहीं है, तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए और इसके बाद आप फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल सेटअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक फेसबुक के पेज पे, जिसके जरिए मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इंस्टेंट आर्टिकल का सेटअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके दो तरीके हैं इस तक पहुंचने के लिए। सबसे पहला तरीका है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक फेसबुक का पेज है। तो इस फेसबुक के पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट में, तो आपको दिखेगा पब्लिशिंग टूल्स। फ्रेंड्स, पब्लिशिंग टूल्स में ऑप्शन आता है इंस्टेंट आर्टिकल्स का। आपको यहाँ पे दिख रहा है इंस्टेंट आर्टिकल का ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले करना होता है कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं इंस्टेंट आर्टिकल को। उसके बाद जब ये कॉन्फ़िगर हो जाता है और हमारे ब्लॉग से कनेक्ट हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी पोस्ट हम उसमें पब्लिश कर रहे हैं उसको ये यहाँ पे पिक कर लेता है। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोस्ट है
उनको आप जाकर के उस पर एडिट कर देंगे और एडिट करके एक बार आप अपडेट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उनको भी ले लेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका है, उसका URL मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल है। उसमें जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि फेसबुक ने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है क्रिएटर स्टूडियो, जिसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो क्रिएटर स्टूडियो के जरिए फेसबुक इस चीज को मैनेज करने का भी ऑप्शन दे रहा है। तो क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप क्रिएटर स्टूडियो के अंदर लॉग इन कर सकते हैं अगर आपको पता है, नहीं तो एक और ऑप्शन है, एक और URL है जो मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वैसे आप देख पा रहे होंगे ब्राउजर पे, instantarticles.fb.com। तो ये फेसबुक का इसका एक सेपरेट URL है इंस्टेंट आर्टिकल्स के लिए, तो हम इस पे भी साइन अप कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं क्लिक करके इस पे साइन अप पे क्लिक करूं, तो ये सारे पेजेस दिखाएगा जो पेजेस हमारे अकाउंट से लिंक है। तो जैसे मैं ये पेज सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं करता हूं नेक्स्ट। जब भी आप इस पे स्टार्टिंग से करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शन आएगा एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का, जो कि मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, क्योंकि जैसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस ओपन होंगी आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाना है और लास्ट में जाके आपको एग्री कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिगिन। तो बिगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर चार स्टेप्स बता रहा है ये। सबसे पहला स्टेप है क्लेम डोमेन। क्लेम डोमेन मतलब जो आपके ब्लॉग का URL है, चाहे वर्डप्रेस का ब्लॉग है, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म का ब्लॉग है, या फिर आपका ब्लॉगर में ब्लॉग बना हुआ है, तो उसका डोमेन क्लेम करना होगा। और क्लेम करना बहुत सिंपल है, अभी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस में, और किस तरह से आप इसको ब्लॉगर में कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, और किसी और ब्लॉग में आप किस तरह से कर सकते हो तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे ही हम क्लेम पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये इस तरह का ऑप्शन दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेटा प्रॉपर्टी टैग दिख रहा है। तो ये मेटा प्रॉपर्टी टैग हमारा काम आएगा अगर हमारा ब्लॉग वर्डप्रेस के अलावा ब्लॉगर में या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, तो सेम मेटा टैग को आपको पेज के होम पेज के हेडर सेक्शन में जाकर के ऐड करना है। जो आपका वेबसाइट का मेन इंडेक्स पेज है, जो होम पेज है, उसके हेडर में आपको ऐड करना है इसको जाकर के, और उससे फेसबुक आपकी ब्लॉग वेबसाइट से कनेक्ट कर पाएगा और सारे आर्टिकल्स फेच कर पाएगा। अगर आपका ब्लॉग वर्डप्रेस में है तो बहुत सिंपल है, वर्डप्रेस में उसका एक प्लगइन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यह नीचे दिख रहा है इंस्टेंट आर्टिकल प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। ये प्लगइन फेसबुक ने खुद बनाया है। अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, ये है ये प्लगइन जिसका नाम है इंस्टेंट आर्टिकल्स फॉर WP, और आप यहाँ देख रहे होंगे इस पे लिखा है फेसबुक, तो फेसबुक की तरफ से है ये प्लगइन, तो इस प्लगइन को आपको यूज करना है। ये प्लगइन यहाँ से आपको डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं वर्डप्रेस में हम इसको कैसे करेंगे। तो वर्डप्रेस में करने के लिए आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना होगा। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ब्लॉग है वर्डप्रेस का, और इसमें हम आगे प्लगइन सेक्शन पे और हम क्लिक करेंगे एड न्यू पे, क्योंकि हमें एक नया प्लगइन ऐड करना है तो हमें पहले एड न्यू करना है। जैसे आप लोग नॉर्मली जानते हैं जो लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, यहाँ पे हम इंस्टेंट आर्टिकल्स फॉर WP ये हमारा प्लगइन है, इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अगेन दे दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये आ गया इंस्टेंट आर्टिकल्स फॉर WP, इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। फ्रेंड्स ये हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और हमने इसको एक्टिवेट कर लिया, और एक्टिवेट करने के बाद ये हमें यहाँ पे लेफ्ट में दिखेगा ऑप्शन इंस्टेंट आर्टिकल, जैसे आप देख पा रहे हैं इंस्टेंट आर्टिकल, इंस्टेंट आर्टिकल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमको प्रोवाइड कराना है फेसबुक का पेज आईडी। तो पेज आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, जैसे ही हम वापस अपने ऑप्शन पे यहाँ पे आएंगे जहाँ हम क्लेम डोमेन कर रहे थे, तो आप देखेंगे यहाँ पे यूज इतना लिखा हुआ है एज पेज आईडी, राइट। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और सेम चीज आप देख रहे हैं मेटा प्रॉपर्टी में भी एड है। इसके बाद हम जाएंगे और यहाँ पे हम फेसबुक पेज आईडी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा एक सेटिंग और इसमें करनी होती है, जो होती है कॉपीराइट। ऑल्दो इसके अंदर काफी सारी सेटिंग्स होती हैं, ये सेटिंग्स आप क्रिएटर स्टूडियो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपीराइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, और उसके लिए भी एक लिंक है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फेसबुक का ही लिंक है, इन्होंने इंस्टेंट आर्टिकल का सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे बॉडी टैग दिया हुआ है, इसमें जो बीच में लिखा हुआ है कॉपीराइट और यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है किसी कंपनी का एज अ सैंपल, तो यहाँ पे आपको कॉपीराइट के बाद अपना नाम लिख देना है और सेम कंप्लीट टैग आप कॉपी करेंगे, और कॉपी करके इसको आप यहाँ पे ला करके कॉपीराइट वाले ऑप्शन के अंदर पेस्ट कर देंगे।
और ये करने के बाद आप इसको कर देंगे सेव चेंजेस। तो हमारे चेंजेस सेव हो गए, फेसबुक का पेज आईडी यहाँ पे ऐड हो गया। तो अब इसको हम कोशिश करते हैं कनेक्ट करने की। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ऑप्शन दे रहा है क्लेम यूआरएल, तो क्लेम यूआरएल में हमें वो यूआरएल डालना होगा अपने ब्लॉग का जिसपे हमने अभी ये प्लगइन इंस्टॉल किया है। अगर आप ब्लॉगर में कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आपको सिर्फ मेटा टैग कॉपी करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो मेटा टैग आपका हेड सेक्शन में कॉपी होगा। एक बार मैं आपको दिखा दूंगा हेड सेक्शन कहाँ होता है। एक्चुअली मेरा कोई ब्लॉगर में ब्लॉग नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ब्लॉगर में ले जा करके भी दिखा देता, बट मैं आपको उसके स्टेप्स जरूर बता दूंगा। और फ्रेंड्स इसमें नीचे ऑप्शन दिया है दिस इज अ डेवलपमेंट यूआरएल, आपको इसको टिक नहीं करना है क्योंकि ये डेवलपमेंट यूआरएल नहीं है। आपको एक लाइव कनेक्टिविटी देनी है, आप डेवलपमेंट के लिए या टेस्टिंग के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, बट मैं आप लोगों को ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए मैं इसको टिक कर लूंगा दिस इज अ डेवलपमेंट यूआरएल और हम क्लिक करेंगे क्लेम पे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसमें दिखा रहा है कि ये अप्रूव हो चुका है। और इस तरीके से आपका विदाउट डेवलपमेंट यूआरएल भी अप्रूव हो जाएगा और इसके बाद आप क्लिक कर देंगे कंफर्म पे। फ्रेंड्स ये हमारा यूआरएल क्लेम हो गया। यूआरएल क्लेम होने के बाद अब हम आ जाएंगे नीचे, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आरएसएस फीड्स। यहाँ आरएसएस फीड्स होती हैं, अगर आपकी ब्लॉग वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो सिंपल है, आप ब्लॉग के यूआरएल के आगे स्लैश फीड ऐड कर देंगे तो आपका आरएसएस फीड्स का यूआरएल बन जाएगा। तो जैसे हमने डेवलपमेंट के लिए करा था तो यहाँ डेवलपमेंट में ऐड करेंगे आरएसएस फीड का यूआरएल। और सिंपल है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया आपने ब्लॉग का नाम लिया उसके बाद फीड ऐड किया और आपने कर दिया इसको नेक्स्ट। इसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो आपका ये आरएसएस फीड इसके अंदर आप देख रहे हैं ऐड हो चुका है और ये बता रहा है इट विल बी रिफ्रेश मल्टीपल टाइम्स एवरी आवर, तो हर घंटे ये बार बार रिफ्रेश होगा। तो अगर कोई नया ब्लॉग आपने पोस्ट किया होगा अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे तो इसको वहां से ले लेगा और इंस्टेंट आर्टिकल्स में ऐड कर देगा। इसके अलावा इसके अंदर और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्टाइल का ऑप्शन होता है, आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगो ऐड कर सकते हैं, जैसे इन्हें डिफॉल्ट स्टाइल दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिफॉल्ट स्टाइल में आप लोगो और भी बहुत सारी चीजें, टाइटल, सबटाइटल, ये सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका एक ब्लॉग हो। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि आपका ये इंस्टेंट आर्टिकल का पेज किस तरह का दिखेगा, तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, सैंपल पेज जैसे दिखाया है। अगर आप लोगो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे लोगो भी दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं काफी सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं। फुटर के अंदर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फुटर के अंदर भी आप यहाँ पे कलर और सारी डिटेल चेंज कर सकते हैं और भी आप यहाँ पे सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। जो भी सेटिंग है वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पे है। जैसे हमने लोगो सेलेक्ट किया तो यहाँ से आप लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, लोगो का साइज आप इसको कम ज्यादा करके जो है उसको मैनेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके इमेज का साइज क्या है। अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। लाइक का जो कलर है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रे स्केल में लाइक है, अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एक दूसरा कलर कोड डालना होगा, तो कलर कोड जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे वैसे ही लाइक का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी स्टाइल की सारी सेटिंग्स कर सकते हैं और आप इसको कर देंगे सेव। तो फ्रेंड्स ये थी स्टाइल्स की सेटिंग और इस तरह से हमने आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट को फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल से कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स अपीयर हो गई डेवलपमेंट आर्टिकल में जो कि पहले नहीं थी। फ्रेंड्स ये जितने अपडेट हो रहा है तो हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है, ब्लॉगर की है, तो हम किस तरीके से फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल को उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके सिंपल से स्टेप हैं, जैसे ही आप अपने ब्लॉगर का ब्लॉग ओपन करेंगे, एडमिन उसका ओपन करेंगे, तो आपको उसमें एक ऑप्शन दिखेगा एडिट थीम का। एडिट थीम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो कोड दिखेगा उसके अंदर आपको हेड टैग दिखेगा। हेड टैग के अंदर आप टॉप पे ये जो हम लोगों ने देखा था ये मेटा प्रॉपर्टी का जो लाइन है इसको आप ले जा करके वहां पे पेस्ट कर देंगे और उसको आप सेव कर देंगे। इस तरीके से आपका ब्लॉगर के अंदर आपके फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेम स्टेप्स हैं, आप क्लेम यूआरएल करेंगे, आप उसकी आरएसएस फीड ऐड करेंगे। अब ब्लॉगर की आरएसएस फीड क्या है ये मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको कॉपी करके सिर्फ अपना डोमेन नेम चेंज करके यूज कर सकते हैं एज इट इज। तो वो आरएसएस फीड आप जाकर के प्रोडक्शन मोड में डाल देंगे
और उसके बाद जैसे ही आप उसको प्रोडक्शन मोड में डालेंगे, जब भी आपका कोई नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो फेसबुक उसको ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा और उसको वो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेगा। और इंस्टेंट आर्टिकल के अप्रूवल के लिए अंदर आपको कम से कम 10 ब्लॉग्स ऐड करने होते हैं, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन होती है इंस्टेंट आर्टिकल की। तो जब 10 ब्लॉग्स वो ऐड हो जाते हैं आपके यहाँ पे, तब वो उसको वेरीफाई करता है और उसको फिर वो अप्रूव करता है। इसी तरीके से फाइनली आपका इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक पेज पे दिखने लगेगा। और अगर मान लीजिए आपकी ब्लॉग वेबसाइट वर्डप्रेस की भी नहीं है, ब्लॉगर की भी नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे, किस तरह से आप आरएसएस फीड के बारे में पता करेंगे उसको हम जान लेते हैं। तो जैसे ये एक वेबसाइट है, इस पे हम क्लिक करके इसके हम जाएंगे पेज सोर्स पे। आप जैसे होम पेज पे हैं तो पेज सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल एफ ब्राउजर में और आप टाइप करेंगे आरएसएस। जैसे ही फ्रेंड्स आप आरएसएस टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे ये यूआरएल मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं आरएसएस के बाद एएचआरएफ लिखा है और उसके बाद यहाँ पे ये यूआरएल है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। ये मेरा वर्डप्रेस का ब्लॉग है, इसमें भी ये चीज इसी तरह से मिलती है। सेम चीज आप ब्लॉगर से भी ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉगर का जानना है आरएसएस फीड क्या है, तो अपने ब्लॉगर को आप ओपन करके राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में आके आरएसएस टाइप करेंगे तो वहां से आपको ये लिंक मिल जाएगा और यही लिंक होता है आपका आरएसएस फीड्स। इसी को आपको ऐड करना है डेवलपमेंट या प्रोडक्शन में। अगर आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए उसको करना चाह रहे हैं तो आप डेवलपमेंट में कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको प्रोडक्शन में करेंगे। फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी आसानी से हम फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल सेटअप कर सकते हैं और जो ब्लॉग हम लिख रहे हैं उसका हम डबल बेनिफिट उठा सकते हैं। एक तो हम अपने ब्लॉग से बेनिफिट ले ही रहे हैं एडसेंस के जरिए और साथ ही में हम फेसबुक से भी मोनेटाइजेशन कर सकते हैं और उससे भी पैसा कमा सकते हैं। तो आपका एक बार इंस्टेंट आर्टिकल इस पे सेटअप हो जाता है तो आपको जैसे आप अपनी पोस्ट को शेयर करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उसी तरह से आपको अपने इंस्टेंट आर्टिकल्स को भी शेयर करना है। अगर आप इसको बहुत फास्ट करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं और जल्दी अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए फेसबुक एड्स भी रन कर सकते हैं और उसके अंदर अपने आर्टिकल को आप प्रमोट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर अपना आर्टिकल को शेयर करते हैं ग्रुप्स में तो डेफिनेटली आपके पास ट्रैफिक आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम अपने ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए भी सोशल मीडिया पे जाकर के शेयर करते हैं और अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लेके आते हैं। जब गूगल पे कोई भी आर्टिकल सर्च करता है या कोई कंटेंट सर्च करता है तो वो कीवर्ड्स के जरिए करता है, बट फेसबुक पे लोग नॉर्मली अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर उसके वॉल के ऊपर पोस्ट को पढ़ रहे होते हैं और उस पोस्ट के अंदर ही आपका आर्टिकल भी नजर आएगा। जब आप उसको ग्रुप में शेयर करेंगे या अपने वॉल पे शेयर करेंगे तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं या फिर आपके जुड़े हुए ग्रुप्स के अंदर मेंबर्स हैं उनके वॉल पे वो ऑटोमेटिकली दिखेगा और इस तरीके से आपके आर्टिकल पे ट्रैफिक आएगा। तो फेसबुक पे अगर आप आर्टिकल को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास ट्रैफिक लाना ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू योर ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग पे गूगल पे सर्च होने के बाद ही अगर आपका आर्टिकल पहले पेज पे रैंक कर रहा है, दूसरे पेज पे रैंक कर रहा है, तभी कोई उस पे आएगा और तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा। बट फेसबुक पे आपके हाथ में है, आप उस पर्टिकुलर ब्लॉग को आर्टिकल को लोगों से शेयर कर सकते हैं और इससे आपके फेसबुक पेज पे ट्रैफिक बढ़ता है। एक बार आपके फेसबुक पेज पे ट्रैफिक बढ़ता है तो डेफिनेटली उससे वो ट्रैफिक आपके अपने ब्लॉग तक भी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल पाए। और अगर आपको फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल सेटअप करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और इसके अलावा हमारा फेसबुक का एक ग्रुप है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं उस क्वेश्चन के आंसर मैं खुद से देता हूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।